हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से निकले हुए हैं। आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आगे बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सारे स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखते रहें। ये देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश की अभी हाल में ही यूनिवर्सिटी बनी हुई है। ये देखिए बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का जो भी कोर्स होता है, उसका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईटी कंडक्ट होने वाला है अकेडमिक सेशन यानी 2021-22 के लिए। यहाँ पर 4 साल का कोर्स है आपका। उसके बाद अगर कोई आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो इसकी ये वेबसाइट है, ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है, और आपको कोई क्वेरी है तो यहाँ पर आप इस मोबाइल नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसकी फीस कितनी लग रही है। तो यहाँ पर देख रही है कि कैंडिडेट्स फॉर द एंट्रेंस टेस्ट विल हैव टू पे अ फीस 2000 फॉर अनरिजल्ट रिजर्व ऑब्लिक ओबीसी और 1200 SC/ST स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फीस कलेक्टर लिंक ये देखिए दिया गया है। यानी जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, चाहे वो जनरल हो या जनरल EWS हो या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट से BSc नर्सिंग का इसमें फीस लग रहा है 2000 रुपये, जो कि थोड़ा ज़्यादा लग रहा है अगर अपेक्षाकृत अन्य फॉर्म की बात करें। तो यहाँ पर 2000 रुपये लग रहा है जनरल कैटेगरी के और जनरल EWS और जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 2000 फीस रखी गई है, और जो स्टूडेंट SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए फीस थोड़ी कम यानी 1200 रुपये रखी है, जो कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पे कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि वंस द फीस हैज़ बीन सबमिटेड देयर शैल बी नो रिफंड ऑफ फीस। यानी एक बार आपने फीस सबमिट कर दी, फिर अगर आप सोच रहे हैं कि हमें इसमें हम अपना फॉर्म विड्रॉ कर लेना चाहते हैं फीस, लेकिन कोई भी कंडीशन में आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आपको इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या होने वाली, तो ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन 1 सितंबर 2021 वेनसडे से ये एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट यानी 15 अक्टूबर 2021 तक, यानी 1 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर 2021 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म यानी 18 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म सबमिट भी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड अवेलेबल शैल बी इन्फॉर्म, यानी जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यानी जो स्टूडेंट भरना चाहते हैं फॉर्म, तो वो 1 सितंबर से भरे जा रहे हैं लगातार फॉर्म, और 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो जो भी स्टूडेंट है तुरंत अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन होगा। वो क्या कब होगा, 4th week of October और 1st week of November। अक्टूबर के 4th सप्ताह में या नवंबर के 1st सप्ताह में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन डिटेल ऑन एडमिट कार्ड, जो भी आपका कहाँ पर आपका सेंटर जाएगा एग्जामिनेशन का, वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। रिजल्ट कैन बी सीन ऑन वेबसाइट फ्रॉम 7 से 10 दिन बाद आपका रिजल्ट आप वेबसाइट पर आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग आपकी दिसंबर के 1st week में हो जाएगी, और सेकेंड काउंसलिंग आपकी 3rd week में हो जाएगी, और अगर 3rd वैकेंसी खाली बची तो 3rd काउंसलिंग भी होगी, जो कि आपकी 10 जनवरी 2022 तक कंडक्ट हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया है कोर्स सीट एंड एलिजिबिलिटी। यहाँ पर कौन कौन से कोर्स सीट और एलिजिबिलिटी क्या है, तो द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कॉलेज अलॉन्ग विथ देयर डिटेल रिगार्डिंग नंबर ऑफ सीट्स, फीस स्ट्रक्चर ETC विल बी डिस्प्लेड बिफोर द कैंडिडेट, विल बी फिलिंग लॉकिंग ऑफ द चॉइस बिफोर काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग पहले आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये देखिए ऑनलाइन अप्लीकेशन का क्या प्रोसीड्यूर रहने वाला है। ये एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन भरना है, जो ऑफलाइन भेजा जाएगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव्ड बाय पोस्ट, यानी बाय पोस्ट से आपके जो कोई भी एप्लीकेशन रिसीव नहीं किया, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ऑन द वेबसाइट ABV यानी अटल बिहारी वाजपेयी, ये देखिए ABVMUUP.edu.in यानी इस वेबसाइट से आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो इस पर एक डिटेल वीडियो आने वाला है, जिस पर आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरा जाए हम पूरा आपको फॉर्म भर के बता देंगे, जिससे कि आपको कोई भी गलती ना हो।
यहाँ पर जो भी स्टूडेंट कमेंट करेंगे उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर अलग से वीडियो आ जाएगा। प्लीज गिव द करेंट इन्फॉर्मेशन द यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफ बीएससी नर्सिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं भरनी है। एग्जामिनेशन विल बी एमसीक्यू बेसिस इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। यहाँ पर जो स्टूडेंट आप कमेंट करेंगे या करने वाले होंगे या उनके मन में चल रहा होगा कि यहाँ पर इंग्लिश में हिंदी में आ गया पेपर की इंग्लिश में आएगा, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एग्जामिनेशन विल बी एमसीक्यू यानी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, जो कि अंग्रेजी भाषा में केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में होगा, अंग्रेजी हिंदी भाषा में नहीं होगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो स्पष्ट रूप से सुन ले, आपका जो पेपर होगा केवल इंग्लिश में होगा। एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी वेरीफाइड, इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड एडमिशन विल बी कैंसिल्ड, यानी एडमिशन के टाइम पर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरीफाई होना चाहिए, अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद पेमेंट करना है, उसके बाद में आपको पेमेंट डिटेल एंट्री करनी है, उसके बाद अपलोड सिग्नेचर एंड सैंपल शीट अपलोड करनी है। तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट भरना चाहते हैं, यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर और सैंपल शीट होनी चाहिए, वो सिग्नेचर आपका 20 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए और सैंपल शीट अचेट फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 200 KB से लेकर 500 KB के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में ओनली केवल होगा, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे ये देखिए जा। देयर विल बी 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 200 आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। सब्जेक्ट ऑफ रिटन टेस्ट यानी कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड जो कि 20% होगा, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20%, जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज 20% ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, यानी आपके कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और नर्सिंग इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, ये आपके 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जो कि लगभग दो सारे 20% के होंगे। यहाँ पर क्या होगा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन आर 50%, यानी आपको कितने में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, 50% नंबर में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद मन में आता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, तो द एमसीक्यू हैज वन करेक्ट ऑप्शन देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके लिए, ये बहुत अच्छा इन्होंने किया। फीस भले ही लगभग दुगनी ले रहे हैं लेकिन उसके बावजूद नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है, तो ये स्टूडेंट के लिए सही है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, वन करेक्ट ऑप्शन आपको देना होगा उसमें होगा, वही आपको चूज करना होगा। 20% नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, 20% फिजिक्स पूछा जाएगा, 20% केमिस्ट्री, 20% बायोलॉजी, यानी अगर 200 क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं पांच, यानी लगभग 5 सब्जेक्ट तो 40 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, यानी 40 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के, 40 फिजिक्स के, 40 केमिस्ट्री के, 40 बायोलॉजी के और 40 जनरल एंड इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के, तो 4×5=20, 200 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो जिस भी स्टूडेंट का जी जनरल यहाँ पर कैसे सिलेक्शन होगा, तो जिस भी स्टूडेंट का इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज और उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सही होगा, वो आसानी से इसमें क्वालिफाई कर जाएगा। यहाँ पर जो परसेंटेज बनाएंगे स्टूडेंट का, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आगे पीछे होगा वो उसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज और नर्सिंग एप्टीट्यूड में होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में लगभग स्टूडेंट के नंबर लगभग सेम आते हैं। उसके बाद जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन इसमें होगा बीएससी नर्सिंग में, तो आगे पीछे जो भी मार्किंग होगी वो इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड पर डिपेंड करेगा। और देखते हैं रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पर होना चाहिए कि आपकी उम्र 17 साल से, यानी 31 दिसंबर 2021 को 17 साल तो आपकी उम्र होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 31 दिसंबर 2021 को 17 साल हो जाएगी तो आप आसानी से इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 12th स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए। पीसीबी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट यहाँ पर डाल सकते हैं। इंग्लिश इंडिविजुअली हो आपके पास होगा, यानी पीसीबी जिस स्टूडेंट के पास है 12th में 45% नंबर है तो वो स्टूडेंट आसानी से इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएगा। यहाँ पर रिजर्वेशन के आधार पर कोटा भी है, जनरली WS का 10% कोटा यहाँ पर दिया गया है।
टोटल 4 साल का कोर्स है, इसमें मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट एलिजिबल हैं। उसके बाद काउंसलिंग टाइम आपको 1,500 रुपये जमा करना होगा, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होगा, जो कि काउंसलिंग पर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे पूरे टर्म एंड कंडीशन। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग में अपना भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, चाहे वो मेल या फीमेल, दोनों स्टूडेंट यहाँ पर आसानी से डाल सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी, यहाँ पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आसानी से आप कम फीस में अपना बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो ये इस बीए वेबसाइट आपको देख रही होगी, इस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से, ये देखिएगा खुलने लगा है, तो इस वेबसाइट पर क्लिक करके आप आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए अलग से एक वीडियो बन जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरें, जिससे कि कोई भी गलती ना हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। कौन कौन स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग में फॉर्म डालना चाहते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में यस लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।